दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक दिन का उपवास रख रहे हैं। इस क्रम में यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दिन का सामूहिक उपवास रखा है। बता दें कि रविवार को दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री दिनेश सिंह पटेल के नेतृत्व में आपके नेता और कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। प्रदेश महामंत्री दिनेश सिंह पटेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जैसे नेता विपक्ष में होते हैं तो बीजेपी के लिए भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन वो बीजेपी में शामिल होते ही सदाचारी हो जाते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में एक तरफ से भ्रष्टाचारी नेता डालिए, दूसरी ओर से सदाचारी निकलेंगे। देखिए, आज पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल से प्यार करता है, उनकी काम की राजनीति को पसंद करता है, पूरे देश भर में तमाम लोग उपवास पे बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता परमेश्वर से कि देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, जो तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और देश में तानाशाही खत्म करें। क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और जेल में डालने का काम किया जा रहा है, उससे ना केवल विपक्ष के नेता परेशान है, देश का लोकतंत्र और संविधान भी खतरे में है। आप जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के चार नेताओं को जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको जेल में डाल दिया मात्र अपनी राजनीति साधने के लिए। लोकसभा चुनाव सर पर है, अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत के साथ काम करते हैं, उस समय मोदी जी अपने ईडी के इशारे पर उनको जेल में डाल दिया है। लेकिन देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रही है, नरेंद्र मोदी जी बताइए, जिस नेता ने, जिस व्यक्ति ने महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देने का काम किया, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मुफ्त पानी देने का काम किया, मुफ्त बिजली देने का काम किया, दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा में ले जाने का काम किया, उन लोगों ने क्या गुनाह किया था कि उनके उन तमाम जो राहत उसको आप बंद करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, वही डर है कि वो लगातार अपने विपक्ष के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी और लोकसभा चुनाव में उनको करारी शिकस्त दे करके संविधान और लोकतंत्र सभी प्रेमी नेताओं के साथ खड़ी होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कहना है ये सरकारी संस्थान है, ये अपना काम कर रहे ईमानदारी से, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, विपक्ष इल्जाम लगा रहा है। ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, तो मेरा सवाल है कि छगन भुजबल जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं, उनकी सदस्यता ले लेते हैं तो वो सदाचारी हो जाते हैं, उनकी फाइलें ईडी खुआ देती है। अजीत पवार जब विपक्ष में होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। साथ ही हेमंत विश्व शर्मा देश के नामी गिरामी जो भ्रष्टाचारी जब भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, एक तरफ भ्रष्टाचारी को डालिए, दूसरी तरफ सदाचारी और ईमानदार बन के निकलता है, वो देश की जनता जान रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसने देश की जनता को बता दिया कैसे भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार करने का काम करती है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों को डराने का काम करती है, और जब डराने में वो सफल हो जाती है तो करोड़ों का
करोड़ों का उनसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का काम करती है। शरद चंद्र रेड्डी 60 करोड़ का घोटाला किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से हुआ पूरा देश जानता है। जेल में उनको रखा जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा नहीं दे देते। यही राघव रेड्डी जो भारतीय जनता पार्टी के कभी विपक्ष में हुआ करते थे, आज देश की राजनीति की स्थिति देखिए, उन्हीं के पिता मटुंगा रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो कभी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे होता था, कभी वो भ्रष्टाचारी कहे जाते थे, आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये जंग जारी रहेगी।